सर, अभी हम देखते हुए आए हैं कि अब अवार्ड वापसी गैंग, जो कभी जब कश्मीर में कुछ हो जाता था अब सक्रिय हो जाती थी, अभी भी सक्रिय हो चुके हैं अवार्ड वापसी गैंग। जैसे कि हमें पता है, बादल जी ने अपना अवार्ड वापस कर दिया है, और उसके बाद प्रगट जी ने भी अपना अवार्ड वापस कर दिया। लेकिन सर, ये सवाल तो हम सबको पता, ये चीज़ तो हम सबको पता है, अवार्ड वापस करते हैं, लेकिन वो रकम वापस क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ही आता है। आपने ऐसी बात पूछ दी, मुझे वो गाना याद आ गया, एक वो कौन सी कव्वाली है कि बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है, और उसमें एक आगे सेंटेंस है कि आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। तो ये क्यों बताएंगे भाई कि सिर्फ अवार्ड वापस कर रहे हैं और पैसा वापस नहीं कर रहे? सब हम जानते हैं कि अवार्ड वापस भी राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है, और इन लोगों को तो अवार्ड भी जो मिले वो राजनीतिक वजहों से मिले इनको। आप देखिए ना, वो जो पहला अवार्ड वापसी गैंग आया था सामने, लेफ्टिस्टों का और वो कांग्रेस के समय वालों का सारा वो सामने आया था। तो ये अवार्ड वापसी गैंग और ये तमाम लोग जो हैं, इसके पीछे साजिश का एक और बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि 2014 के बाद से इन लोगों को जो सरकार में हिस्सा मिलता था, जो इनकी पूछ होती थी, जो इनको पद मिलते थे, जो इनको कमेटियां मिलती थी, वो इन लोगों की हो गई बंद। तो ये जो दुकानें इनकी बंद हो गई, जिन दुकानों को चला करके ये इस तरीके के अवार्ड लेते थे, तो निश्चित रूप से है कि इन्हें तो है, सरकार का कोई भी काम हो उसका इन्हें विरोध करना है। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता हासिल करने के लिए आप देखिए ना, वो जिनपिंग की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की तारीफें करते हैं, सजदे पड़ता है वो सिद्धू जो है पाकिस्तान के, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान का बोलता है, वो दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के सजदे पड़ता है पूरे के पूरे। तो इसलिए ये तो सत्ता में वापस आना चाहते हैं, और उसके लिए इनके लिए इनके सामने ना देश की, ना देश के किसानों की, ना देश के जवानों की किसी की भी चिंता नहीं है। सर, प्रगट जी ने भी जो है वो अवार्ड वापस करने की बात कही है, और शायद कर भी दिया, और वो कांग्रेस के ही हैं, और जबकि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में, जो कांग्रेस अभी जो बात कर रहा है फार्मर्स की, किसानों की हक की बात कर रहा है, तो कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में कभी ये सेम बिल की बात हुई थी, वन नेशन वन एग्रीकल्चर की बात हुई थी। तो क्या सर, इससे हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम सबको? देखिए, किसानों को लेके कांग्रेस का दोहरा मापदंड 1917 के चंपारण आंदोलन के समय से रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जितने किसान नेता उभर करके आए ग्रास रूट लेवल से, चाहे वो अवध के बाबा रामचंद्र रहे हों, चाहे वो बिहार के अंदर स्वामी विद्यानंद रहे हों, जो स्वामी सहजानंद रहे हों, इन्हें तो गिरफ्तार करा दिया था सर, स्वामी सहजानंद सरस्वती को इन लोगों ने जो है कांग्रेस से निकाल दिया था इन लोगों ने, जब 1937-38 में मिनिस्ट्री बनी थी इन लोगों की, चाहे सीताराम राजू रहे हों आंध्रा के अंदर, और उसके बाद में भी आप देखिए कि 1947 के अंदर बाबा रामचंद्र ने एक बात कही थी इन लोगों के बारे में, दुई हाथ मुंह मोदक मोरे, और तो ही आज राजपद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। तो जो वादे इन्होंने कांग्रेस ने किसानों को किए, और दूसरी तरफ एक और तमाशा देखिए इनका, हम जमीन बांटेंगे, हम गरीब किसान को जमीन देंगे। हैं भैया, तुमने क्या जमीन दी है इस चीज को? एक एक एकड़। आर्थिक दृष्टि से कोई बड़ा से बड़ा इकोनॉमिस्ट जो है कांग्रेस वालों का, मैं बहस करने को तैयार हूं कि क्या एक एकड़ जमीन देने पे किसान अपना गुजारा कर सकता है? तुमने उसको एक एकड़ जमीन देके उसको और गुलाम बना दिया महाजन का, समझे? अब क्या हुआ कि इस बीच में जो कांग्रेस की नीतियां रही सन 47 के बाद से, तो देश में एक बहुत बड़ा धनी किसान उभर करके आया, जिसे वो सीपीएम वाले भी कुलक बोलते हैं। अब ये जो धनी किसान था, इसने मंडी को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और जो गरीब किसान है उसकी तो पहुंच मंडी तक हो ही नहीं पाती, उसको तो ये लोग अपने टर्म्स पे पहले ही उसकी फसल जो है, मुंह मांगा जो इनकी मर्जी होती है, मांगे पे नहीं, जो इनकी मर्जी होती है उस पे उसकी फसल ले लेते हैं। तो अब जब एक ऐसा बिल आया जिस बिल के अंदर ये कहा गया कि छोटा किसान भी वो सब इनके वर्चस्व से बाहर आ सकता है, दूसरी जगह पे अपनी फसल बेच सकता है, तो इनको दिक्कत हो गई कि इनका कंट्रोल जो था मंडी के अंदर, आपको एक बात बताऊं मैं, दिल्ली की मंडी के अंदर ही एक आलू किंग है, एक टमाटर किंग है, एक सेब का किंग है, और जो इनके थ्रू बेचते नहीं ना मंडी में आके, ये माफिया उनके ट्रक के ट्रक जलवा देता है बाहर।
क्या वजह है कि दिल्ली के बाहर पेरिफेरी जो है हमारे एरियाज, उनमें तो मटर मिलेगा 20-25 रुपए किलो, और दिल्ली के अंदर मिलेगा 80 रुपए किलो और 100 रुपए किलो, समझे? ये फायदा किसान को तो नहीं हो रहा ना, ये तो बिचौलिया ले रहा है ना बीच में फायदा, और इस बिचौलिया को अगर खत्म किया जा रहा है तो इनको दिक्कत है। हाँ, एक चीज इसमें जरूर मैं कहूंगा कि जो किसानों की एक बड़ी जायज डिमांड है कि जो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, है ना, उसका निर्धारण जरूर होना चाहिए। और एक उसमें ये भी चीज है कि देखिए, कोर्ट जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भ्रांति इस बिल से ये फैल गई कि आप सिर्फ डीएम और एसडीएम पे ही जाओगे और कोर्ट नहीं जाओगे, वो भ्रांति भी दूर होनी चाहिए इसके अंदर, और मुझे लग रहा है कि कल तक आते आते ये भ्रांति दूर हो जाएगी। और इसीलिए इस समय जो आज और कल का दिन है, एक बहुत चौकन्ना रहने का दिन है। उसकी वजह यह है कि जितने भी तत्व हैं अराजकतावादी, जो देश में अराजकता चाहते हैं, वो खालिस्तानी इनके साथ मिल गए हैं, वो जिहादी चेहरे वहाँ दिखाई दिए हैं जो शाहीन बाग में दिखाई देते थे, जो शाहीन बाग के अंदर लंगर और वो चला रहे थे वो वहाँ पे पहुँच गए हैं, आप पार्टी वहाँ पे समोसे बनवा रही है, कांग्रेस वाले बनवा रहे हैं, तो ये लोग के समझौता ना हो, ये किसी भी प्रकार की हिंसा करवा सकते हैं, और ऐसे माहौल में हिंसा होना बहुत आसान है कि किसी ने भी दो पत्थर फेंक दिए और शुरुआत हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके लिए बहुत ही वो रहना चाहिए। और कुछ चीज़ें मैं और यहाँ आपको बताना चाहूँगा किसानों को लेके, क्योंकि मेरा काम किसान आंदोलनों पे है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो चीनी की मिलें बेच दी गई और सब कर दी गई मायावती जी के ज़माने में और अखिलेश और इस सब के अंदर, तो 3-3 साल तक गन्ना बोने वाले किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिली, आज उनको उनकी कीमत 3 महीने के अंदर मिल रही है, उनके जो बकाया थे वो सारे चुका दिए गए हैं। इस चीज को भी तो किसान देखें कि सरकार की मंशा क्या है। दूसरी तरफ जो छोटे से छोटा गरीब किसान है, उसके खाते के अंदर वो 5,000 रुपए पहुंचना, बीज खरीदने के लिए वो पहुंचना, खाद खरीदने के लिए वो पहुंचना, सरकार के उस रवैये को भी देखे कि ऐसा क्या देश में पहले कभी हुआ है किसानों के लिए। तो इसको एक किसानों को भी जो है एक पूर्णता के अंदर, एक संपूर्ण दृष्टि के साथ एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक समझौता इस प्रकार का अच्छा हो कि किसान का शोषण बंद हो। पैरिटी प्राइस की जो बात है, देखिए होता क्या है कि जो मिल का उत्पादक है वो अपनी हर चीज़ की कॉस्टिंग कर लेता है कि इतने का मैंने कच्चा माल खरीदा, इतने की मैंने तनख्वाह दी, इतना का मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, इतना का मेरे मिल लगाने में आया, और उसके बाद में उस सबको जोड़ के उस पर फिर अपना मुनाफा तय करके अपने प्रोडक्ट की कीमत रखता है, चाहे वो साबुन हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे बड़ी मशीन हो। अब किसान का ये कहना है कि हमारी जो मूल्य तय हो हमारी उपज का, उसके अंतर्गत हमारी जो लागत है कि हमने जो खर्चा किया है खाद के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, बीज के ऊपर, और इसके साथ साथ जो मेहनत है उसकी, उन सब को लेकर के तब हमारा मूल्य तय होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं समझता, ये एक जायज डिमांड है।